नमस्ते दोस्तों, आज मैं लाई हूँ सूजी और आटे की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। मुंह में जाते ही बोलेंगे यामी। एक ही चीजों से दो टाइप के रेसिपी बनाएंगे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी खा सकते हैं। दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले फूडीज फ्लेवर चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और पास वाली बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, एक बोल में एक कप सूजी ले लेंगे। इसमें आधा कप दही ऐड करेंगे और आधा कप पानी ऐड करेंगे। बहुत अच्छी तरह मिलाएंगे। अभी भी बहुत थिक है, इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए ढक्कन देके ढक के रख देंगे। 10 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे। बहुत ही थिक हो गए हैं, अब इसमें पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। एक तिहाई कप पानी ऐड किए हैं। पानी ऐड करने के बाद 3 टेबलस्पून गेहूं का आटा ऐड करेंगे। बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आटा मिलाने से बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। मिक्स करने के बाद एक अलग बोल में बैटर के आधा हिस्सा डाल देंगे। पहली वाली रेसिपी के लिए बैटर में स्वादानुसार नमक डाल देंगे और अच्छी तरह मिला लेंगे। आधा चम्मच शक्कर ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद एक एक करके वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ कैप्सिकम ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। सारी चीज़ बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। छोटा स्पून हटाकर बड़ा स्पून यूज़ करेंगे। एक नॉन स्टिक पैन मीडियम आंच पर गर्म कर लेंगे। एक चाय की चम्मच जितना सोयाबीन तेल ऐड करेंगे। तेल गर्म होने पर एक स्पून बैटर उठा के तावे पर डाल देंगे और स्पून से थोड़ा फैला देंगे। एक मिनट तक पकने देते हैं, फिर इसे पलट देंगे। पलटने के बाद एक मिनट तक इसे फ्राई करेंगे, फिर इसे पलट देंगे। इसी तरह लाइट ब्राउन होने तक दोनों साइड फ्राई करेंगे और फिर उठा के प्लेट में रख देंगे। इसी तरह जितना होगा उतना ही बना लेंगे। एक आइटम रेडी हो गए, अब दूसरे आइटम बनाएंगे। मीडियम आंच पर कढ़ाई गरम करके उसमें 1 टेबलस्पून सोयाबीन तेल डाल देंगे। तेल गरम होने पर इसमें 2 टेबल चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ कैप्सिकम डाल देंगे। 2 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न डाल देंगे। 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ 2 हरी मिर्च, स्वादानुसार नमक, वन फोर्थ चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे और चलाते रहेंगे। आधा चम्मच शक्कर ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को हल्का सा फ्राई करेंगे। इसकी कलर हल्के से ट्रांसपेरेंट कलर के हो जाएंगे, फिर एक बोल में उठाकर रख देंगे। बोल में सारे रख दिए, अब 2 टेबलस्पून मेयोनीज ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिला लेंगे और हमारा स्टफिंग रेडी हो गए हैं। अब बैटर में स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून शक्कर ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिला लेंगे। अब नॉन स्टिक पैन मीडियम आंच पर गर्म कर लेंगे। 1 चम्मच रिफाइंड तेल ऐड करेंगे।
तेल गर्म होने पर एक स्पून बैटर डाल देंगे और बैटर के ऊपर जो स्टफिंग बनाए वो रख देंगे। और स्टफिंग के ऊपर मोज़ारेला चीज़ रख देंगे और इसके ऊपर बैटर डाल देंगे और अच्छी तरह ढक देंगे बैटर से। एक मिनट पकाने के बाद सावधानी से पलट देंगे। इसी तरह पलटते रहेंगे जब तक ना ब्राउन कलर की हो जाए। देखिए ब्राउन कलर के हो गए। अब इसे उठा के प्लेट में रख देंगे। और एक बनाएंगे। अब इसे कट के दिखाएंगे और देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कितनी स्वादिष्ट है। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों फिर से एक नया रेसिपी लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू।